हत्या करने की नियत से ये आग लगाई गई थी और ये हत्या करने के उद्देश्य जो था उसे पूरे परिवार को खत्म कर देना उनका उद्देश्य था, इसलिए ये ऐसा आग लगाया गया। और हम लोग इतने हतप्रत थे, इतना डर गए थे कि हम लोगों ने FIR लिखने, क्या लिखे क्या नहीं लिखे वो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग बदनीयती से और जान मारने की नियत से हमारे कार्यालय को नुकसान, ताकि आदिवासियों पे जो काम हो रहे हैं उसको नुकसान पहुंचे और ये लोग डिस्टर्ब हो जाए और ये जगह ये लोग छोड़ दे। तो हम तो भाई 65 सालों से 1959 से रह रहे हैं, हम अस्थाई निवासी के रूप में यहाँ पर हैं, तो हम तो ये जगह नहीं छोड़ सकते, लीगली तो हमारा ऑनरशिप राइट है। तो उस बात को लेकर अभी वो जमीन के कारण ही इस पे दुकान पे आग लगाया गया जान मारने के ख्याल से, जबकि यहाँ हमारे दुकान के पीछे भी मेरे परिवार के 9 लोग और सदस्य रहते हैं, वो खतरे में आ गए क्योंकि निकलना एकदम दुर्लभ हो गया था, आग चारों तरफ फैल गया था। हाँ, जिस समय 23 तारीख को आए थे तो उस समय धक्का मुक्की हुई और हाथापाई भी, राजेश सिंह ज्यादा रोब दिखा रहे थे, अपना जो पुलिसिया रोब होता है ना वो दिखा रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा रोब हम लोग बहुत झाड़े रहते हैं सबको को, और ऐसे ऐसे रोब को हम लोग पूरे वर्दी उतारने वाले लोग हैं। हम लोग पूरे झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ, हमने अलग राज्य का आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, मैं 17 साल यहाँ जर्नलिस्ट रही और मैंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन को कवर किया, और ये लोग हम लोगों को आंख दिखाने आए हैं। तो भाई ये बाहर के लोग हैं, बाहर और जो आउटसाइडर हैं, देखिए उनका यही कैरेक्टर है, वो सुधरने वाले नहीं है कि यहाँ के जो आदिवासी है, यहाँ के मूलवासी हैं, उनके साथ पेश कैसे आना है, ये तो उनको सीखना होगा ना भाई। इलीगल काम, अब ये प्राइम प्लेस है, अल्बर्ट एक्का चौक के नजदीक की जमीन है, करोड़ों की जमीन है, तो उनकी गिद्ध दृष्टि लग गई। आग दो तरह की होती है, एक आग जो हमें दिखती है और एक आग जो दिखती नहीं है, जो लोगों के मन के अंदर होता है और वो जलते जलते किसी का घर भी जला देता है। आपने 2 अक्टूबर को सुना होगा कि राजधानी रांची के थड़पकना इलाके में आग लगी थी, भीषण आग थी और एक साथ लगभग 3 से 4 दुकानें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 3 से 4 दुकानें जल के राख हो गई थी, और बगल में आप देख सकते हैं जो पानी का दुकान है वो भी आधा लगभग जल चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि जो सिलेंडर है वो विस्फोट हुआ था, चूंकि गैस भराने का यहाँ एक दुकान में काम भी होता था, तो गैस लीक हुआ और ये आग लग गई। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि साजिश के तहत इसे अंजाम दिया गया है, जलाया गया है। क्या है पूरा मामला, हम यहाँ पे आए हैं, इनसे जानेंगे, चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, और शायद थाना भी गए थे केस करने के लिए। किन पे केस कर रहे हैं, किन पे साजिश का आरोप लग रहा है, सारे मसलों पे हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे आए हैं और आप मलबों को भी देख सकते हैं, जिस तरह से मलबे यहाँ पे पड़े हैं, ये काफी फेंक दिए गए हैं, बाकी मलबे यहाँ पे पड़े हैं। परिवार के लोग आए हैं, उनसे हम बात करेंगे, परिवार के लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम संजय राव जी से बात करेंगे। संजय जी, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या है, कैसे आग लगी, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जमीन जो है ये मैंने खरीदा है 2013 में, अपना रसीद कटवाया है, मोटेशन किया है, इसमें एक बैग 21 तारीख को मुझे नोटिस आया। कौन सा 21? ये सितंबर नोटिस आया कि 23 तारीख को जमीन का नापी करेंगे बोल करके। तो हमने कहा कि मेरा जमीन है, हमने जमीन कभी किसी को बेचा नहीं है, तो नापी किस आधार पर होना चाहिए। तो उन्होंने आया पुलिस बल दल के साथ, हमको साथ धक्का मुक्की किया। उसके बाद क्या हुआ कि अलोका गेट चैनल से उन लोग को बाहर भगाई और गेट चैनल को लॉक कर दी। उसमें राजेश सिंह था और एक आदमी था और गुप्ता जी थे। उसके बाद गुप्ता जी का पूरा नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन लोग गए, चले गए उन लोग, जब पुलिस लोग चले गए, नापी नहीं होने दिए, तो उसके बाद उन लोग लौट करके वापस आए और बोल करके ये धमकी दे करके गए कि तुम लोग को दशहरा से दिवाली तक आसमान दिखा देंगे। अच्छा, ये उन्हीं के शब्द थे, उन्हीं के शब्द थे ये। उसके बाद मैं 2 तारीख को दुकान झाड़ू मार करके खोल रहा था, धनतेरस का पूरा खरीदारी करके पूरा दुकान मेरा खचाखच भरा हुआ था, मैं सामान बाहर निकाल रहा था। उन्होंने आ करके 8:10 सुबह, कोई रोड में आदमी उदमी उस समय नहीं मिलता है, ना ग्राहक है, हम लोग दुकान खोल के सरियाने में हम लोग को 2 घंटा लगता है, तब तक हम लोग दुकान सामने निकाल रहे थे, प्लास्टिक का आइटम, गमला हुआ, कुर्सी हुआ,
जो कुछ भी है, तो वो उसमें ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिए। ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे आग लगते गया। तो हमने अपना मोटर, पानी दुकान है उसका मोटर लगा करके, पाइप लगा के उन्हें बुझाने का कोशिश किया। हम लोग और भी दो तीन जन आ गए, मेरे मित्र आ गए महेंद्र जायसवाल, फिर मेरे छोटे भाई आ गए राजदीप राव, सब हम लोग बुझाने का कोशिश करने लगे, लेकिन ये बुझा नहीं पाए। तब हम लोग फायर ब्रिगेड को फोन किए, लेकिन लग नहीं रहा था, तो दूसरे लोगों की मदद से थाना में खबर किया गया। वो लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजे, 6 गाड़ी भेजे, 2 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उन्होंने यहाँ पूरा अग्निशामक को पूरी तरह बुझाया, लेकिन तब तक हमारा 3 गो दुकान है पूरी तरह जल करके खाक हो गया था। सिर्फ मैंने GST इनकम टैक्स इस सब का कागज को सारे लोग घुस करके निकाल करके तोड़ करके अपना किसी तरह हम लोग बचा पाए। और उसके बाद ये हुआ कि हम लोग 2 बजे जब वो ये जाने लगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी वाली, तो उन्होंने कहा कि आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो हम बोले सर बताइए क्या एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तब उन्होंने बताए कि आप लिखिए कि फायर ब्रिगेड तथा एक ड्रेंडा के नाम से लिखवाए, एक ऑर्डर हाउस के नाम से लिखवाए, कि हम लोग ने 3 गाड़ी ड्रेंडा से भेजा है, 3 गाड़ी ऑर्डर हाउस से भेजा है, और 2 बजे तक हम लोग ने कड़ी मुशक्कत के बाद ये आग पर अमल पाया है, माने बुताने पर अमल काबू पाया है, लेकिन पूरी सामान तब तक जल करके स्वाहा हो गई थी। उन्होंने देखा कारण, किस कारण से आग लगी, मैंने उसमें लिख दिया था कि इसमें आकर के चंद्र प्रकाश गुप्ता, मैं दुकान से सामान निकाल रहा था तो उसने ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया था, तो इसी वजह से इसमें आग लगी। वो जमीन के कारण ही इस पे दुकान पे आग लगाया गया, जान मारने के ख्याल से, जबकि यहाँ हमारे दुकान के पीछे भी मेरे परिवार के 9 लोग और सदस्य रहते हैं, वो खतरे में आ गए, क्योंकि निकलना एकदम दुर्लभ हो गया था, आग चारों तरफ फैल गया था। लेकिन किसी तरह दमकल ने आग बुझा करके फिर वही हमसे एप्लीकेशन लिखवा करके लिए। इस एप्लीकेशन में मैंने चंद्र प्रकाश गुप्ता का नाम लिखित रूप से दिया है। अच्छा, ये आपको धमकी मिली थी उस शक के आधार पर है कि आप लोगों के पास कुछ सबूत भी नहीं है? सबूत है हम लोग के पास कि भाई जब वो आ करके हम लोग को लौट करके आके धमकी दे रहा है, और यहाँ के लोग उन लोग नहीं है, समय भी दे रहे हैं। हाँ, वो समय भी दे रहे हैं, दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक आसमान दिखा देंगे, तो धमकी का तो बात, उन लोग अमल करने वाली बात है, ये कर्म करने, उन लोग को तो साजिश था कि इन लोग को पूरी की पूरी तरह मिटा दिया जाए, पूरा जमीन दोज कर दिया जाए, इन लोग को जान से भी मार दिया जाए और जमीन को कब्जा कर लिया जाए। ये जमीन जो है ये हमारे 4 भाइयों के नाम से है, और हम लोग का रेंट फिक्सेशन अपना नाम से हुआ है, हम लोग का कोरेक्शन स्लिप है, हम लोग का नियमित रूप से रसीद, अंचल रसीद भी कटता है, और हम लोग का नगर निगम रसीद भी कटता है, हम लोग का नियमित रूप से सारा पेपर कटता है, अभी भी कटता है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक हम लोग 50-60 वर्षों से यहाँ पर रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। 2013 में बेचने का ऑप्शन आया, हम लोग खरीदे, कोई दिक्कत नहीं हुआ 13 के बाद भी, लेकिन अभी ये दिक्कत पैदा हुआ। अच्छा, कौन है ये लोग? ये लोग जमीन के ब्रोकर बुझाते हैं। एक तो राजेश सिंह बताते हैं अपने आप को, मैं पुलिस मुख्यालय का बड़ा बाबू हूँ। अच्छा। और चंद्र प्रकाश गुप्ता तो बोलते हैं कि हम व्यापारी हैं। अच्छा। तो अब हमने पुलिस और व्यापारी की मिली भगत से, ये भगत से दलाली है, दलाली करने के लिए उन लोग दलाली करने के ख्याल से उन लोग माने जमीन को हड़पना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं उन लोग। परिवार के बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे। आलोका कुजूर जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, लेखिका है। मैडम, इतनी बड़ी घटना हो गई, और घटना की आज इतने दिन के बाद आप लोग FIR कर रहे हैं। एक्चुअली जो घटना हुई ये साधारण घटना नहीं है, आगजनी की घटना है, और इससे मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ गया है। मैं इतना हताश हुई हूँ, चूंकि घर के अंदर में थे, और आगजनी की जो घटना है वो हत्या करने की नीयत से ये आग लगाई गई थी, और ये हत्या करने के उद्देश्य जो था उसे पूरे परिवार को ख़त्म कर देना उनका उद्देश्य था, इसलिए ये ऐसा आग लगाया गया। और हम लोग इतने हतप्रत थे, इतना डर गए थे कि हम लोगों ने FIR लिखने, क्या लिखे क्या नहीं लिखे वो समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा कि उस दिन गांधी जयंती था, ऐसे ही पूरे इलाके बंद थे,
और दुर्गा पूजा का भी समय था, छुट्टियां चल रही थी और मेरा मानसिक स्थिति भी नहीं अच्छा था और बारिश भी होने के कारण यहाँ हम लोगों ने भींग गए, फिर सूखे, फिर भींग गए, तो उसे तबीयत बहुत खराब हुई है। इसके कारण ही हम देर में FIR दर्ज कर पाए हैं। लेकिन मूल है कि पूरे झारखंड के अंदर जो जमीन का ब्रोकर है, जमीन के दलाल, जमीन के माफिया जो है वो हम लोगों को हत्या करना चाहते हैं, यही मूल उद्देश्य उनका है। अच्छा, जब आग लगी उस समय तीनों चार जो थी दुकान थे वो जल गई, इससे सटा हुआ आप लोगों का घर है, कितने सदस्य हैं यहाँ, बच्चे से लेके बड़े तक? हम लोग 9-10 लोग रहते हैं यहाँ, एक छोटा बच्चा भी है 6-7 महीने का है जो हम लोग यहाँ रहते हैं। अग्निनी की घटना जब हुई थी उस समय हम लोग घर के अंदर ही थे, पूरा घर धुआं धुआं हो गया था, बहुत आतंक था, वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे हैं क्योंकि वो एक्सप्लेन करने वाला समय को कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जहन में अभी भी वो आग का जो लपट है और वो आतंक है वो अभी भी मौजूद है और हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम लोगों को तत्काल तुरंत अगर हम लोगों को लोग बाहर खींच खींच कर नहीं निकालते तो हम लोग 9-10 लोगों की जान जा सकती थी। वासवी क्यूरो जी हमारे साथ है, इन्हीं का ये घर है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वासवी क्यूरो का ही परिवार है और ये दुकानें जो है और अंदर जो घर है ये इनका घर है और काफी पुराना घर है, कम से कम 30-40 वर्षों से यहाँ पे घर है। मैडम कैसे पता चला आपको? देखिए, मैं अपने ऑफिस में थी महिलोंग में, 2 अक्टूबर का दिन था, रविवार का दिन था, हम लोग रिलैक्स थे और अभी लगातार हमारा कैंपेन चल रहा है नेशनल STSC हब और ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। तो सडनली ये खबर मिली तो फिर पहले तो हम लोगों ने दमकल को बुलाया 2 अक्टूबर को, उसके बाद हम लोग आपको यहाँ आते हुए 9:30-10 हो गए, तब तक तो हमने देखा पूरा धू धू के जल चुका था और पूरा आग लगी हुई थी, लोग 6-6 फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई थी तो वो लग रहे, और ये लपट जो है सामने के दुकान में थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि मेरा पीछे में ऑफिस है, पहले मैं यहाँ रहती हूँ, आती हूँ इमरजेंसी में, यहाँ रहती हूँ, रुकती हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस है और ऑफिस में हमारे पूरे कंप्यूटर है, सिस्टम है, ऑडिट रिपोर्ट है, अलमारी है, फाइल्स है, ये सारी चीज़ें, और सारे हमारे बड़े जो महुआ के प्रोजेक्ट्स हैं, होलोपैथी एथनोमेडिसिन का वर्क है, फॉरेस्ट राइट्स को लेके हमारा काम है, जल जंगल जमीन के सवाल, UN ट्रिप, सीडो वगैरह को लेके जो पूरा हाँ काम होते हैं इसी कार्यालय से होते हैं। तो हमारे कार्यालय पर इतना बड़ा हमला, तो ये मैंने सोचा कि भाई किसकी हिम्मत हो रही है कि ये सब करने का। मैं पूरे ट्राइबल इंडिया के लिए हमारा वर्क है, समाज के लिए काम है, कम्युनिटी के लिए काम है, हर आदिवासी समुदाय के लिए हमारा काम है और हमारे ऑफिस पे इतना बड़ा हमला कर रहे हैं, बात क्या है? हमें पता चला कि पुलिस है, हेडक्वार्टर में कोई बड़ा बाबू है राजेश सिंह, उसका इंटरेस्ट हुआ है ये जमीन पर, उनको पता होना चाहिए कि हम 1959 से यहाँ रह रहे हैं, 65 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे माता पिता थे, इसके पहले हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, पीसफुली हम यहाँ रह रहे हैं, कभी भी इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई। लेकिन सडनली 22 सितंबर को हमारे भाई लोगों ने खबर किया कि देखो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ में, ये लोग नोटिस भेजे हैं 23 सितंबर को नापी के लिए, जमीन तो इनकी है नहीं, सारी जमीन हम लोगों ने खरीदी है और नोटेशन हम लोग करते रहे हैं और पीसफुली रह रहे, बाहर में दुकान है, अब ये लोग किस हैसियत से और लीगली किस तरीके से ये लोग नापी करना चाह रहे थे, नापी का विरोध किया हम लोगों ने, और उस दिन मैं नहीं थी, उस दिन आलोका थी यहाँ पर, आलोका ने पुरजोर विरोध किया, उन्होंने कागजात मांगे कि भाई आपका क्या ऑनरशिप है यहाँ पर, बताइए हमारा तो ऑनरशिप राइट है, तो क्या बता रहे हो, कागज ना दिखा रहे हैं ना, मेरा कागज देख रहे हैं, 23 तारीख को भी आए तो कोई कागज आलोका ने मांगा तो दिखाया नहीं, ना ही हमारा कागज वो देखने के लिए तैयार हुए, हमारा सेल डीड, हमारा म्यूटेशन का कागज, ये सब कुछ देखने के लिए तैयार नहीं हुए। तो वो ये जो घटना, जब हम 23 तारीख तो हम बाहर थे लेकिन जब हम आए लौट कर तो हम लोगों ने बात किया कि क्या मामला है, तो आलोका ने बताया कि देखो ये लोग बहुत धमकी देकर गए हैं, बोले हैं कि दिवाली दशहरा देख लेंगे, तुम लोगों को उड़ा देंगे, बचोगे नहीं, हम पुलिस विभाग के बड़े ऑफिसर हैं, ये सब धमकी इन लोगों ने लगाया। तो हमने कहा कि ठीक है, पुलिस विभाग के आप भी ऑफिसर हैं तो हम लोगों ने भी जल जंगल जमीन की बड़ी लड़ाई लड़ी है, हमारे ऊपर अभी 2-2 केस चल रहे हैं, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का आंदोलन है, कोर कैपिटल के
के खिलाफ रांची में नगरी थाना में केस है। तो हम लोगों ने भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और बड़े बड़े लोगों को, बड़े अफसरों को हम लोगों ने भी देखा है, लेकिन आप इलीगल कर रहे हो तो उसका मुकाबला भी हम करेंगे। तो हम लोगों ने आज FIR दर्ज कराया है लोअर बाजार थाने में, और वो द नेम्ड FIR किया चंद्र प्रकाश गुप्ता के खिलाफ और राजेश सिंह के खिलाफ में हम लोगों ने FIR कराया है कि ये लोग बदनीयती से और जान मारने की नियत से हमारे कार्यालय को नुकसान, ताकि आदिवासियों पे जो काम हो रहे हैं उसको नुकसान पहुंचे और ये लोग डिस्टर्ब हो जाए और ये जगह ये लोग छोड़ दे। तो हम तो भाई 65 सालों से 1959 से रह रहे हैं, हम अस्थाई निवासी के रूप में यहाँ पर हैं, तो हम तो ये जगह नहीं छोड़ सकते, लीगली तो हमारा ऑनरशिप राइट है। तो उस बात को लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ गैस भराने का भी काम होता था, उससे आग लगी है। जैसे गैस भराने का जो काम होता था, तो देखिए तीन तीन दुकान है और हमारे गांव के जितने गरीब लोग हैं वो स्टाफ के रूम में यहाँ काम कर रहे हैं, तो दिन भर क्या वो भूखे रहेंगे? चाय पीने के लिए छोटा जो गैस सिलेंडर आता है, चाय पीने के लिए दिन भर रहते हैं, खाना बनाना, चाय पीना है, कुछ पका लेना है, तो उसके लिए दो या तीन सिलेंडर होगा। वो तो हर दुकान में होते, वो हर दुकान में होते हैं। तो अगर बड़ा सिलेंडर होता, बड़ा सिलेंडर विस्फोट करता तो ये बच जाता क्या? अगल बगल की चीजें बच जाती क्या? तो वो लोग ये कह रहे हैं, लेकिन जो इन लोगों ने प्लास्टिक के दुकान को ही टारगेट किया, जो ज्वलनशील चीजें हैं जल्दी आग पकड़े, तो इसको टारगेट किया, क्रॉकरी के शॉप को टारगेट किया, फोटोकॉपी की दुकान थी 65,000 की मशीन थी बड़ी वाली, दो प्रिंटर मशीन थी 45,000 की, ये सारे ब्रस्ट कर गए, गीजर ब्रस्ट किया, विस्फोट किया। तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि गैस भराने का काम होता है, भाई हम दिन भर यहाँ रहेंगे तो भूखे प्यासे तो नहीं रहेंगे ना भाई, और सड़क किनारे इतने साल तक कुछ भी नहीं हुआ, और आज आप कब से ये दुकान है? ये दुकान 94 से है और हम लोग बहुत स्ट्रगल करके, मेरे भाई लोगों ने भी अपनी जीविका उपार्जन के लिए बहुत स्ट्रगल करके ही दुकान बनाया है। हम लोगों को बाप दादा के जमाने से हम लोग करोड़पति नहीं है, सब लोग अपना बना के ही आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे अभी भाइयों ने जब खरीद लिया है तो यहाँ पे बिजनेस को बढ़ाना, कुछ बनाने का प्लान होगा भाई लोगों का। हमारा ऑफिस है, भाई लोगों ने बोला आपका ऑफिस है, हम आपको ऑफिस देंगे यहाँ काम करने के लिए। तो हम लोग काम कर रहे हैं, पीसफुली रह रहे हैं, ये लोग बीच में घुसना चाह रहे हैं इलीगल तरीके से। तो भाई पुलिस विभाग में हो के आप गैर कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? अच्छा, महुआ मांझी जी आई थी उस दिन, क्या कहा? मैं नहीं थी वहां, मैं निकल चुकी थी, मैं सुबह में बस पानी पीकर आई थी और 1:30 बज गए थे, तो वही बगल में सिस्टर रहती है तो उसने बोला रोटी सब्जी है तो खाने के लिए, तो मैं चली गई थी, तब मुझे पता चला था कि वो आई थी, और क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी सिक्योरिटी चाहिए हम लोगों को, और 5 महिलाएं अंदर में रहती है, बड़े वाले भाई की वाइफ रहती है, आपके उनके 2 बेटियां हैं, फिर एक भतीजे की बहू है आलोका है, तो 5 महिलाएं यहाँ हैं, और ये दुकान जो जला है ना उसके अंदर से घर जाने का रास्ता है, तो ये सेफ्टी अभी पूरी तरह से अनसेफ हुआ है, सेफ्टी का सवाल आया है, तो हमें सेफ्टी चाहिए। हम लोगों ने ऐसे लोअर बाजार थाना को बोला है कि पेट्रोलिंग करे, लेकिन ये जब तक नहीं बंद हो जाए तो उनकी जान सांसत में है, आलोका बहुत डिस्टर्ब है, वो कह रही है कि लग रहा है कि फिर ना आखिर कोई आग लगा दे। आप जाके अंदर देखिए ना कैसे हमारे ऑफिस के छत में आग लगी हुई है, अगर हमारा ऑफिस छल आग लग जाती, सारे फाइल्स ऑडिट रिपोर्ट जल जाते तो हमारा ऑफिस तो डिस्टर्ब होता पूरे राज्य में। महुआ का बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं उद्योग विभाग के साथ में, हमारे होम्योपैथी एथनो मेडिसिन को लेके पूरे ट्राइबल इंडिया में काम हो रहा है, 400 डॉक्टर्स हैं हमारे, तो ये सारा काम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, ये षड्यंत्र रचा गया। और 9 लोग थे उस समय, 2 अक्टूबर को रविवार का दिन था, 9 लोग थे अंदर में, सबकी जान किस तरह से बची आप देख लीजिए, क्योंकि बाहर निकलने का पैसेज एकदम छोटा था, किस तरह से ये लोग बाहर आग से बचकर निकले, क्योंकि पूरा सामने का बोर्ड वगैरह जल के खाक हो गया है। अच्छा, आपके भाई बता रहे थे कि जब धमकी देने आए थे उस समय शायद हाथापाई भी हुई थी। हाँ, जिस समय 23 तारीख को आए थे तो उस समय धक्का मुक्की हुई है और हाथापाई भी, राजेश सिंह ज्यादा रोब दिखा रहे थे, अपना जो पुलिसिया रोब होता है ना वो दिखा रहे थे, तो उनको पता नहीं था कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा रोब हम लोग बहुत झाड़े रहते हैं सबको को, और ऐसे ऐसे रोब को हम लोग पूरे वर्दी उतारने वाले लोग हैं, हम लोग पूरे झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ, हमने अलग राज्य का आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, मैं 17 साल यहाँ जर्नलिस्ट रही और मैंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन को कवर किया, और ये लोग हम लोगों को आंख दिखाने आए हैं, तो वही ये बाहर के लोग हैं, बाहर और जो आउटसाइडर हैं देखिए उनका यही कैरेक्टर है,
वो सुधरने वाले नहीं है कि यहाँ के जो आदिवासी है, यहाँ के मूलवासी है, उनके साथ पेश कैसे आना है, ये तो उनको सीखना होगा ना भाई। इलीगल काम, अब ये प्राइम प्लेस है, अल्बर्ट एक्का चौक के नजदीक की जमीन है, करोड़ों की जमीन है, तो उनकी गिद्ध दृष्टि लग गई। तो भाई गिद्ध दृष्टि लग गई तो आप कानून हाथ में ले लोगे क्या? हमने जब खरीदा है तो तुम, अगर तुम्हें खरीदना है तुम हमसे बात करो, तुम आ रहे हो धमकी दे रहे हो जबरदस्ती नापी कर रहे हो तो हम छोड़ देंगे क्या? ये हमारा ऑनरशिप राइट है, हमारा मालिकाना हक है यहाँ पर, तो हम नहीं छोड़ने वाले। वो इलीगल कर रहे हैं, उनको सबक सीखना चाहिए और कानूनी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए और हमारी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान होना चाहिए। मैं पूछ रही वासी मैम कि कितना कितना क्षति हुआ होगा ये सारे दुकानों में? भाई लोग का सामान था, उनका दुकान था, मैं तो बहुत डिटेल नहीं जानती, लेकिन कह रहे हैं लगभग 80 लाख का नुकसान है, क्योंकि धनतेरस और दशहरा के समय बिक्री होती है, तो धनतेरस के समय स्टील के बर्तन वगैरह, गैस का चूल्हा वगैरह और बड़े टिफिन स्टील के मैंने देखा, बड़े बड़े बर्तन, ये सब उन लोगों ने लाए थे और रखा था सेलिंग के लिए, धनतेरस सारे राख हो गए, काला पड़ गया, एक ट्रक तो कोयला लद के यहाँ से गया है, कोई देखे तो दिल रो पड़े कि कितना नुकसान हुआ, जो गरीब लोग यहाँ काम कर रहे थे उनका पेट कैसे चले। कितने स्टाफ थे? कितना अभी 12 स्टाफ होंगे, 10-12 स्टाफ है इनके, सारे दुकानों को मिला के, 3 दुकान जो है उसके मिला के, और सब गांव के गरीब लोग हैं भाई, उनका पेट चलता है, उनकी आजीविका चलती है, तो ये सब चीजें देखनी चाहिए लोगों को। अंदाजी कहीं पे आप हाथ डाल दे रहे हैं, आप कहाँ हाथ डाल रहे हैं? राजेश सिंह को और चंद्र प्रकाश गुप्ता को पता है कि उन्होंने हाथ कहाँ डाला है? क्या भाई नेम एफआईआर हुआ है? हाँ, नेम एफआईआर हुआ है, हम लोगों ने बताया, हमारे पुलिस इंस्पेक्टर जो थानेदार हैं, ऑफिसर इंचार्ज, उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने, मैंने बोला कि भाई चंद्र प्रकाश गुप्ता है, काली बाबू स्ट्रीट में रहते हैं, लेकिन आज पता चल रहा है कि वो भी जगह वो छोड़ के भागे हुए हैं, और राजेश सिंह है। चंद्र प्रकाश गुप्ता के बारे में तो पता चला कि वो अपने भतीजे की हत्या के मामले में जेल में था, और ये राजेश सिंह ने उसको जेल से निकलवाया है। ये लोग बड़े षड्यंत्र है, कोनाइवेंस है, इनका पूरा कोनाइवेंस है कि यहाँ पे करोड़ों का संपत्ति है, हड़प लेंगे, तुमको लाख रुपया दे देंगे, तुमको कुछ दे देंगे, तुमको कुछ दे देंगे, है ना? तो ये सब ये लोग चला रहे हैं इस तरीके से, है ना? और सीओ की भी बहुत बड़ी भूमिका है, सीओ ने गलत किया है, जांच होनी चाहिए। क्या किया सीओ ने? सीओ ने जब हमारा डीड है, जब संजय उराव ने, अनीता उराव ने, राजदीप उराव ने खरीद लिया है, तो फिर वो क्यों दूसरों को बिक्री कर रहे हैं और मैन्युअली हाथ से क्यों म्यूटेशन लिख रहे हैं? आजकल तो हर जमीन के मामले में सीओ की भागीदारी, सीओ की भागीदारी गलत हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी रहे, अगर आदिवासी है गलत कर रहा है तो नहीं बकसना चाहिए, बिल्कुल। ये दो दुकानें हैं, चूंकि काफी मलबा था, चीजें जल गई हैं, तो चीजों को निकाला गया, जैसे मैम ने कहा कि एक ट्रक कोयला यहाँ से निकला, ये अलग दुकान था, ये अलग दुकान था, और पीछे जो काला हुआ जो देख रहे हैं आप, ये पूरा जला हुआ है, दीवारों पे जो काला काला जो धुआं रह गया है, ये बस यही बता रहा है कि किस तरह से आग लगी थी और क्या वो मंजर था जब उस वक्त लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। दमकल की जब गाड़ियां आई थी, लगभग 6 से 7 घंटे लगे उनको आग बुझाने में, तो आप समझ सकते हैं कि आग कितने बड़े पैमाने पे लगा था। आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगी, जैसा इन लोगों ने कहा कि पीछे ये रहती है, इनके निकलने घुसने का बस एक ही रास्ता है, वो ये रास्ता है, बहुत ही सरकरा रास्ता है, पतला है, यहाँ से थोड़ी हम अंदर जाएंगे, चूंकि आग जब लगी थी तो घर की ओर भी बढ़ चुकी थी। मैं चाहूंगी जो मेरे कैमरा मैन है वो दिखा दे, ये जो घर है और घर का ये जो छत है ये भी पूरा जल गया, मतलब जो आग है यहाँ तक पहुंच चुकी थी, ऊपर का पूरा शीट जल चुका है। अगर दमकल समय पे नहीं आता, अगर 10-15 मिनट और लेट होती तो मुझे लगता आग पूरी तरह घरों में घुस चुका होता। फिलहाल हम यहाँ पे हैं और सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि गैस फटने से हुआ है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि साजिश के तहत हुआ है, जमीन हड़पने के लिए हुआ है, धमकियां मिल रही थी, और उसी दौरान जब उन्होंने कहा था कि दशहरा और दीपावली के बीच में हम आपको आसमान दिखाएंगे, तो शायद उसी चीज का ही अनुमान लगा रहे आसमान दिखाने की, क्योंकि जो आग की लपटें हैं आसमान में, दूर दूर से लोग देख रहे थे कि यहाँ थड़पकना में आग लगी है। फिलहाल हम इस खबर से जुड़ी हुई चीजें बाकी आपको दिखाते रहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।